हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल नॉलेज पेल कंटिन्यूइंग विद द ऑनगोइंग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज आज के सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज से ही एसोसिएटेड है पास्ट ईयर का जो आपका पेपर था फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 उसमें जो आपको जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज यू ऑल नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके प्रेपरेशन का सो फॉर दैट रीजन ओनली आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड बट बिफोर स्टार्टिंगल टाइम है आपके पास यू है तो आप फाइनल रिविजन के लिए फॉर दैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दोनों ही क्लासेस क्लास नाइन कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं और इन शॉर्ट विच इज द बेस्ट बुक फॉर फाइनल रिविजन और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम इतना बड़ा सिलेबस है जीके इज वास्ट इंटेलिजेंस इज वास्ट इंग्लिश भी इतना ज़्यादा है तो कैसे आप रिवाइज करेंगे कौन सी बुक बेस्ट होगी कि आप यूज कर सकते हैं इस एग्जाम के रिवीज़न के लिए इन द फाइनल डेज सो माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू ऑल सच स्टूडेंट्स इज़ कि आप इस एग्जाम के लिए ये बुक रेफर कर सकते हैं दैट इज सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कम्प्लीट स्टडी गाइड बाई अग्रवाल एग्जाम कार्ट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दट आई हैव बहुत ही अच्छी बुक है कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनके कारण आई रियली लाइक दीज बुक्स तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं क्लास सिक्स एज वेल एज क्लास नाइन दोनों के लिए ये बुक अवेलेबल है आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे एंड इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम तो ये भी बेनिफिट है दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स इनका इक्वली बेनिफिट उठा सकते हैं सो बेसिकली हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वी शुड बी वेरी मस्ट अवेयर कि जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं वॉट वी आर डूइंग वो आपका रिसेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हो क्योंकि आपको पता होगा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस में मॉडिफिकेशन हुआ है सो वॉट एवर वी आर स्टडिंग इज इम्पोर्टेंट कि हम रिवाइज लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो कुछ बुक्स अभी भी मार्केट में ऐसे हैं जिनमें ये सिलेबस मॉडिफाई नहीं किया गया है वो तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं सो so ये आपके साथ एट द टाइम ऑफ दिस फाइनल रिविजन बहुत डिफिकल्टी हो सकती है दैट कौन सी बुक रेफर करें अगर ऐसी बुक रेफर कर रहे हैं जिसमें सिलेबस अपडेटेड नहीं है सो so ये आपके लिए बहुत हैवी मिस्टेक हो सकती है सो ऐसी बुक लेना है जिसका सिलेबस रिवाइज हो सो दिस बुक कंटेन्स रिवाइज द लेटेस्ट सिलेबस अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे आज के सेशन में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जी के तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट ऑल द ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइडेड है सो दैट सेपरेटली आपको उनको सॉर्ट आउट नहीं करना पड़ेगा फॉर ईच इंडिविजुअल चैप्टर यू कैन हैव द क्वेश्चन इंडिविजुअली आपको हर इम्पोर्टेंट चैप्टर के लिए कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइडेड है इन द फ्रंट पेजेस आप वहां पे देख सकते हो इस बुक में कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है एंड यू कैन पुट मोर एम्फोसिस इन दैट अलॉन्ग विद जो थ्योरी है यहाँ पे दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इन एडिशन आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी प्रोवाइडेड है वो भी आप यूज कर सकते हैं फॉर योर प्रेपरेशन सो आई स्ट्रॉली रिकमेंड की जो भी की कौन सी बुक रेफर करें सो दिस वन बुक हाल से सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कम्प्लीट स्टडी गाइड बाई अग्रवाल एग्जाम कार्ड इन एडिशन कुछ स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी पूछ रहे हैं तो उनके लिए भी हाल से दिस वन बुक इज गुड एंड मोर देन इनफ बिगनिंग से ही अगर हम परफेक्ट बुक अपने साथ लेकर यूज करेंगे सो so हमारे चांसेस टू गेट सिलेक्टेड विल गेट इंक्रीज तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं और एनी ऑफ़ द स्टूडेंट इनको ये बुक परचेज करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आई हैव शेयर द लिंक उस लिंक को अगर आप यूज करोगे सो विल बी गेटिंग अ एक्स्ट्रा ऑफ ओके एंड नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद विदेज सेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं फ्रॉम देपर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स गायरोमीटर स्पीडोमीटर गायरोस्कोप और किलोमीटर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ हमको बताना है द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी स्पीडोमीटर ओके क्विकली हम लोग इनको सॉल्व करेंगे स्पीडोमीटर ऐसा डिवाइस जो किसी व्हीकल की स्पीड मेजर करने के लिए यूज होता है दैट इज स्पीडोमीटर इसी से एसोसिएटेड अनदर क्वेश्चन आता है इसके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है दैट इज डिवाइस

सारनाथ इज अ प्लेट्स नियर वाराणसी उत्तर प्रदेश वहां से जो आपका नेशनल एम्बल है इसमें इन द पिक्चर कभी भी आप देखेंगे बट तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है हाउ मेनी एशियाटिक लाइन्स आर देर सो द करेक्ट आंसर विल बी फोर वन एशियाटिक लाइन इज ऑल्सो देयर विच इज प्रेजेंट बिहाइंड वो दिखता नहीं है बिकॉज इट्स अ टू डी वे थ्री डी स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे देर आर फोर एशियाटिक लाइन्स फॉर दिस क्वेश्चन

जो थीम है आपकी और जो स्टोरी है जो डांस के फॉर्म से डिपिक की जा रहे है, भरा, और कौन सा आपका डांस है जिसमें स्टोरीज और थीम्स को अडेप्ट किया जाता है तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है यहाँ पे इट इज भरतनाट्यम दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट ठीक है भरतनाट्यम भरतनाट्यम इज अ डांस स्टाइल जिसमें स्टोरी और थीम ऑलवेज इट इज टेकन फ्रॉम महाभारत और रामायण उनके स्टोरीज को इस डांस uh, के फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता है सो यू हैव टू रिमेंबर महाभारत इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग मंथ्स इन द ऑर्डर ऑफ नेशनल कैलेंडर इन करेक्ट सीरियल ऑर्डर ए चैत्र बी वैशाख सी जेष्ठ और डी आषाढ़ देखिए सो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया आइकन्स एंड सिम्बल्स से ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन टिल नाउ फ्रॉम आइकन्स एंड सिम्बल्स तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहीं से क्लियर हुआ सो सेकंड क्वेश्चन है आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया से एंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेशनल कैलेंडर है नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज याद रखना है क्वेश्चन में ही यहाँ आपको एक आंसर मिल गया साका एरा कैलेंडर नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज साका कैलेंडर ये याद रखना है सो द नेशनल कैलेंडर जो साकारा कैलेंडर है उसके फोर मंथ्स आपको प्रोवाइडेड है एंड रेस्ट ऑफ इन फोर मंथ्स को आपको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करना है ठीक है सो मंथ्स आर चैत्र वैशाख ज्येष्ठ एंड आषाढ़ तो देखिए देर आर ट्वेल्व मंथ्स इन दिस तो ट्वेल्व मंथ्स आपको याद करने होंगे बेसिकली वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन मंथ्स का सीक्वेंस क्या है सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन एग्जाम अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है बट इन केस अगर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था एंड यू हैव टू टैकल दिस तो हमको दो पॉइंट पे अगर हम याद रख रहे हैं दैट द फर्स्ट मंथ ऑफ साकारा कैलेंडर इज चैत्र एंड लास्ट वन इज फाल्गुन अगर हम ये दो पॉइंट्स भी याद रख रहे हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा सो द फर्स्ट मंथ इज चैत्र ये याद रखना है तो ऑन ऑल द ऑप्शन लुक ए पहला सिर्फ ऑप्शन ए में ही है सो दैट इंडिकेट्स दिस इज द करेक्ट आंसर ओके सो द फर्स्ट मंथ इज चैत्र सेकेंड मंथ इज वैशाख

कॉम्बेट एयरक्राफ्ट एंड इट वॉज बिल्ड बाई एडिशनली आप याद रख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड इनके थ्रू इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था एंड टेजिस इज अम्बैट एयरक्राफ्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कप और ट्रॉफीज इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल स्पोर्ट्स एंड गेम्स का जो सेक्शन है फ्रॉम देअर दिस क्वेश्चन इज डेविस कप चैंपियंस ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी और देवधार ट्रॉफी तो फुटबॉल से एसोसिएटेड फुटबॉल स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड कौन सी ट्रॉफी है ये हमको बताना है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी संतोष ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी जो है दिस क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ डू एंड रिकोगनाइज एंड्रॉम दियर ग्रुप बाय स्मेल बाय कलर बाय हाइट और बाय फेस तो आपका एक सुपर सेंसिस टॉपिक है इन येबस फ्रॉम दैट डेयर क्वेश्चन

नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड इन पोल्ट्री फार्म गोट हैन शीप और हॉर्सेज तो पोल्ट्री फार्म में हम किसको डोमेस्टिकेट करते हैं वी यूजली डोमेस्टिकेट पोल्ट्री बर्ड्स एंड करेक्ट आंसर इज हैन हैन इज अ काइंड ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स ऑप्शन बी हैन इज द करेक्ट आंसर पोल्ट्री फार्म आपने देखा होगा यू परचेज एग्स फ्रॉम द मार्केट जो पैक्ड अगर आप बॉक्सिस में एग्स परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऑलवेज एक लेबल लगा होता है वहाँ पोल्ट्री फार्म का नाम लिखा होता है अगर कभी ऑब्जॉर्व किया होगा तो देखा होगा तो वो पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री फार्म में किस एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता है दैट पाला जाता है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हैन हैन इज डोमेस्टिकेटेड इन पोल्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज नंबर द द ब्लैंक कवर टंग एंड टू केमिकल्स इन फूड टेस्ट बर्ड टीथ एंड स्किन तो टंग को क्या कवर कौन सा स्ट्रक्चर कवर करता है विच रियक्ट टू द केमिकल्स प्रेजेंट इन द फूड ये हमको आंसर करना है सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए टेस्ट बर्ड टेस्ट बर्ड ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं फॉर डिफरेंट टेस्ट बर्ड इज द आंसर टेस्ट केमिकल्स इन फूड ऑप्शन ए टेस्ट बर्ड्स इज द करेक्ट आंसर ठीक है एंड ये क्वेश्चन आपका जो टॉपिक है टेस्ट एंड डाइजेशन वहां से ये टॉपिक है इट इज नॉट फ्रॉम द सुपर सेंसेस वहां पे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है बिकॉज टेस्ट एंड टंग हम सुपर सेंसेस में भी पढ़ रहे हैं

होगा आपने फ्रोजन मटर आते हैं दैट देर प्रिजर्व फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रोजन बेबी कॉन्स आर देर तो उनको फ्रीज करने से फूड पे क्या इफेक्ट होता है कैसे वो हेल्पफुल होता है तो ऑप्शन आर कीप द फूड प्रोडक्ट हार्ट कीप द फ्लेवर्स ऑफ द फूड फ्रेश स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और नन ऑफ डीज तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके वॉट डज फ्रीजिंग डू जब हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और उसको हम फ्रीज करते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिवली लो टेम्परेचर एंड इसके कारण जो हमारा फूड है वो प्रिजर्व होता है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इट इट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक एंड मेपल आर कैरीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज बाय विंड बिकॉज दे पजस विंड सीड लार्ज एंड हेरी सीड्स लार्ज एंड रिच सीड्स और स्पाइनी सीड्स एक्साम्पल भी हम उसमें पढ़ते हैं, thieves, wind, water, पढ़ते हैं. तो यहाँ पे आपको दिया है, है? तो प्रेजेंट होते हैं ये क्वेश्चन ने पूछा है डिस्पोज हो रहे हैं तो यहाँ पे हम एक वे ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं तो वो ही नहीं होंगे हम कैरेक्टर स्टडी करते हैं स्पाइनी सीड्स ऐसे प्लांट्स के होते हैं जिसमें सीड्स एनिमल्स के थ्रू डिस्पोज हो रहे हो सो so दैट जो सीड्स है वो एनिमल्स के बॉडी को अटैच हो जाते हैं विद द विदाइन एंड दे गेट डिस्पोज तो स्पाइनी सीड्स विंड लॉन्ग एंड रिच फ्रूट्स भी नहीं होगा ठीक है सो so आपके पास टू ऑप्शन है विंगड सीड्स और लार्ज एंड हेरी सीड्स आउट ऑफ दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विंग सीड्स जो सीड्स होते हैं आपके ड्रम स्टिक के एंड मेपल के दे आर एक्चुअली विंग उनमें विंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं

रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक ऑफ राजस्थान टंका खादिन बावड़ी और कुमा करेक्ट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए है ऑप्शन ए टंका या टंकी भी कहते हैं कई रीजन में इट इज अ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक क्या होती है कि जो आपका रेन वाटर होता है उसको हार्वेस्ट करना दैट मीन उसको कैप्चर करना सेव करना इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट रन ऑफ उस वाटर को सेव करना इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड टंका इज अ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इन राजस्थान

ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने जब गर्मी में हम लोग शरबत बनाते हैं सो शुगर रेडिली गेट्स डिजोल्व इन वाटर आप वॉटर में शुगर डालते हैं टू थ्री टाइम स्पून को मूव करते हैं इन द दॉटर एंड शुगर क्विकली गेट्स डिजोल्व ओके सो शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा शुगर इज अ सब्सटेंस दैट विल डिजोल्व इन वाटर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज डायबिटीज चिकन पॉक्स एलजीमर्स और कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं ऐसे डिजीज जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में स्प्रेड हो रहे हो इन्हीं को हम इन्फेक्शस डिजीज भी कहते हैं माइक्रोबियल डिजीज एंड वाटर पॉल्यूशन जो आपका टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन है ऐसे डिजीज जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में स्प्रेड हो रहे हैं दीज आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज तो यहाँ पे देखिए डायबिटीज इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज अगर किसी एक पर्सन को डायबिटीज है तो उनके कॉन्टेक्ट में आने से अनदर पर्सन डज नॉट गेट डायबिटीज सिमिलरली कैंसर कैंसर इज ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अगर किसी को कैंसर है आप उनके कॉन्टैक्ट में आएंगे दैट डोर कि आपको कैंसर हो सकता है सेम गोज विध एलजीमो चिकन पॉक्स जो है हमारा इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स और अगर हम उनके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं वीर कमिंग इन क्लोज कॉन्टेक्ट सो देर आर चांसेज की हम को भी वी कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड विथ चिकन पॉक्स कॉमन कोल्ड से भी ऐसे ही हो रहा है सो दीज आर योर कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज बिगेस्ट एक्साम्पल ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिकेबल डिजीज अभी हम देख रहे हैं -19, तो ये भी याद रखना है कोविड नाइनटीन कैन ऑल्सो बी देर इन दिन इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू बैंड फॉरवर्ड बैंड बैकवर्ड वॉक स्ट्रेट और वॉक साइडवेज माउंटेन्स क्लाइंब करने के लिए आपको क्या करना होगा सो इन ऑर्डर टू क्लाइम माउंटेन्स आपको फॉरवर्ड बैंड करना पड़ेगा जब आप कोई ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं ठीक है तो आपको फॉरवर्ड मूव करना पड़ता है थोड़ा हम फॉरवर्ड बेंड होते हैं उसके बाद ही हम कोई ऊंची चढ़ाई या फिर माउंटेन क्लाइंब कर पाते हैं अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा स्लोप पे आप चढ़ोगे दिस like कोई स्लोप है एंड इस पे आपको मूव करना है तो आपको थोड़ा सा आगे बेंड करना पड़ेगा टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन तो आप बहुत ही क्विकली उस स्लोप को या उस माउंटेन को क्लाइंब कर लेंगे सो द करेक्ट आंसर इज ए बेंड फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नेम एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बिल्ड इन देंचुरी ऑफ राजस्थान रेड फोर्ट कुतुब मीनार जंतर ठीक है सो देर टू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट वन आपको इस क्वेश्चन के बारे में इंटायर इन्फॉर्मेशन पता है दैट राजपूत किंग सवई जयसिंग ने एटीन सेंचुरी में जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनाई थी दैट इज सिचुएटेड इन जंतर मंत्र और अदरवाइज आप ये भी सोल्व कर सकते हैं कि इन फोर ऑप्शन को पढ़ेंगे कुतुब मीनार रेड फोर्ट ताजमहल तो इसमें आपको क्लियर होगा दैट ओनली जंतर मंत्र इज अस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सो फ्रॉम बोथ द केसेज यू कैन सोल्व एंड करेक्ट आंसर विल बी जंतर मंत्र हिस्टोरिकल पोर्शन है कोई ट्रिक नहीं लगेगा याद ही करना पड़ेगा जंतर मंत्रो देर आर टू जंतर मंत्रर कंफ्यूज नहीं होना है फर्स्ट वॉज इन न्यू डेली एंड देन वी ऑल्सो स्टडी जंतर मंत्रर इन जयपुर बोहोत ऑफ दीज आर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेट्रीज ठीक है सो जंतर मंत्रर इन डेली जंतर मंत्रर इन जयपुर यहां जिस जंतर मंदिर की बात हो रही है दैट जंतर मंदिर इज सिचुएटेड इन राजस्थान जयपुर ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ब्लैंक इंक्लूड इंटरनल रॉक्स मिनरल्स एक्सेट्रा तो ब्लैंक में क्या आएगा एटमोस्फियर बायोस्फियर हेमिसफियर और जियोस्फियर द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन डी जियोस्फियर जियोस्फियर इंक्लूड्स ऑल

तो किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा हो तो आप लोग तो उसको देख भी सकते हैं आफ्टर आपके थ्री क्लासेस इंक्लूडेड है फॉसिल फ्यूल कैन बी कोल इट कैन बी नेचुरल गैस और इट कैन बी पेट्रोलियम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 रसगुल्ला इज अ पॉपुलर स्वीट ऑफ वेस्ट बंगाल केरला पंजाब हिमाचल प्रदेश किस जगह की पॉपुलर स्वीट है रसगुल्ला सो so, करेक्ट आंसर याद रखना है सबको बन भी रहा होगा दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी वेस्ट बंगाल रसगुल्ला इज अ पॉपुलर स्वीट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया ट्राइबल कम्युनिटी इसका आपका चैप्टर है फ्रॉम दिस दिस क्वेश्चन इज पंडित जाट भिल एंड पंजाबी ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी है इंडिया में तो so, पंडित जाट एंड पंजाबी आर नॉट अ ट्राइबल कम्युनिटी करेक्ट आंसर इज सी भिल भिल इज वन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया ऑप्शन सी भिल याद रखना है अलॉन्ग विद दिस ट्राइबल कम्युनिटी से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज अबाउट द गॉन्ड ट्राइबल कम्युनिटी गॉन्ड ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ बिलोंग करती है यह आप याद रख सकते हैं इट बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश

Water cycle. Say question has no water droplets, dust or smoke. The correct answer here is option C. Water droplets. Clouds are mostly made up of water droplets. Option C. Next question after this. For which of the following works has Vasudev mohi been awarded the 29th Saraswati Samman? Lost Children, Archie, Checkbook, The Strange Diaries, or Song for a New Day? So the correct answer for this question is option B. Checkbook. जो वसदेव मोहि का वर्क है बुक है चेक बुक उनके लिए उनको ट्वेंटी नाइन सरस्वती सम्मान से किया गया है सो ऑप्शन बी चेक बुक इज द करेक्ट आंसर ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन जनरल असेंबली नटवर सिंह वी के कृष्णा मैन श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और श्रीमती इंदिरा गांधी सो आपको क्वेश्चन में बताना है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए फर्स्ट इंडियन जो उस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे हु दैट So, correct answer here is option C. Shrimati Lakshmi Pandit was the first Indian to become the president of United Nations General Assembly. And one more important thing is that for women, the so first Indian women to be the president of United Nations General Assembly, also the first Indian to be the president of United Nations General Assembly was Shrimati Lakshmi Pandit. Next question. फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर स्वेट लैंड है प्रोडक्शन ऑफ स्वेट वो किस बॉडी पार्ट में एबसेंट होते हैं स्कैल्पिट पार्म्स इज लिप्स इंटायरली एबसेंट होते हैं ऑप्शन सी लिप्स इज द करेक्ट आंसर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस वट डू वी कॉल द यंगू सो डिफरेंट एनिमल्टर इन जी के फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज

प्रीवियस ईयर का पेपर जो है ऑफ 2021 दैट विल बी सो ये जो आपका था एक मेजर पोर्शन आज के सेशन में कवर हो गया अलॉन्ग विद इसके पहले के जो पेपर्स हैं आई रिकमेंड कि आप लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं सो यू कैन पेपर के थ्रू मत सॉल्व करिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए बिकॉज बिफोर आफ्टर दैट सिलेबस हैज बीन चेंज तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो सिलेबस से आपके रिमूव कर दिए गए एंड द क्वेश्चन आर स्टिल देयर सो दे कैन कॉज अ कन्फ्यूजन अदरवाइज so आप उस पेपर को मत सॉल्व कीजिए एंड इफ अगर आपको सॉल्व करना है तो गो फॉर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर सिलेबस जैसे कि इस बुक में दिए गए हैं सैनिक स्कूल स्टडी गाइड बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड इस बुक में आपको जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं तो इन दैट केस आपके जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है वह क्वेश्चन आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है ओके सो विद दिस विल सेशन एनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो फिर से बुस के लिए डिमांड कर रहे थे बुक यू कैन यूज दिस फॉर योर फाइनल रिविजन स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कम्प्लीट स्टडी गाइड बाई अग्रवाल एग्जाम कार्ड लिंक आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन वहां से अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं यू विल गेट अक्सट्रा फिफ्टीन परसेंट ऑफ जो स्टूडेंट्स जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रेपरेशन के लिए उनके लिए भी दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड बुक सो दैट्स एट फॉर टूडे सेशन थैंक वन एंड हैवे नाइस डे